हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, आपके कुछ प्रश्न थे जो ड्रीम इलेवन का स्किल स्कोर है इससे संबंधित, हम लोग इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग का पहला प्रश्न यह था कि ड्रीम इलेवन का जो स्किल स्कोर है क्या ज्यादा होने से हम लोगों को ड्रीम इलेवन पर ज्यादा रिवार्ड या ज्यादा डिस्काउंट या ऑफर मिलेंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं। ड्रीम स्किल स्कोर ज्यादा होने से आपको ड्रीम इलेवन पे कोई भी रिवार्ड डायरेक्टली या कोई भी पर्सनल रिवार्ड आपको नहीं मिलता। यह बस आपके परफॉर्मेंस को वहां पे शो करता है, जो कि आपके एक स्पेसिफिक गेम के लिए भी हो सकता है। यानी अगर आप मात्र ड्रीम इलेवन पे फैंटसी क्रिकेट ही खेलते हैं तो उसके लिए हो सकता है, या ड्रीम इलेवन पे जितने भी स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं उन सबको खेलते हैं तो उन सबके आधार पे भी हो सकता है। इसमें जो आपके लास्ट 25 मैच का जो परफॉर्मेंस होता है वो स्किल स्कोर के लिए काउंट किया जाता है। ठीक, इसमें अगर किसी भी कॉन्टेस्ट में आप एक से ज्यादा टीम ज्वाइन करते हैं तो उसमें से जिसका रैंक अच्छा होगा या जिसने परफॉर्मेंस अच्छा किया होगा उसको ही इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक, आप लोग का अगला प्रश्न था कि यह अनलॉक होगा कैसे। तो वैसे तो इसके पीछे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कोई भी अगर न्यू यूजर है अगर उनका स्किल स्कोर अभी अनलॉक नहीं हुआ है तो वो 3 या 4 मैच खेलेंगे तो उनका जो यह स्किल स्कोर है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद वो खुद अपना जाके वहां से जो स्किल स्कोर उसे चेक कर सकते हैं, और साथ ही आप ड्रीम इलेवन पे जो अदर लोग खेल रहे हैं उनका भी आप स्किल स्कोर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि स्किल स्कोर से संबंधित जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल गया है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।